चलिए आशीष को वेलकम करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष केलकर। आशीष, आप भी काफी खुश लग रहे हैं बाजार के इस रिकॉर्ड नंबर्स को देखते हुए, लग रहा है कि बैंकिंग में स्पेसिफिकली आपकी भी काफी पोजीशंस हैं। डेफिनेटली हमारी भी पोजीशंस है और हमने हमारे क्लाइंट को भी बैंकिंग स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, सो डेफिनेटली हर जगह पे अच्छा और खुशी का माहौल है। राइट, चलिए अभी आशीष चार्ट्स देखकर बताइए निफ्टी कहां तक और जा सकता है, अब कहां पर नजर जा रही है आपकी? निफ्टी को अगर देखते हैं तो 10,450 को एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर 450 के ऊपर निकलते हैं तो थोड़ा सा ही हेडरूम बाकी है और वो है करीबन 10,480-10,500 के लेवल तक निफ्टी खींचा जा सकता है, तो थोड़ा कॉशियस भी निफ्टी के ऊपर रहना चाहिए, लेना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना ज्यादा बेहतरीन रहेगा पर्टिकुलरली। और नीचे की तरफ देखते हैं तो 10,425 का एक सपोर्ट है। चलिए आशीष की तरफ से कुछ और भी अट्रैक्टिव पिक्स लेंगे, लेकिन इस वक्त वक्त है कॉलर्स को भी शामिल करने का इस शो में। हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, जलंधर से अशोक शर्मा जी जुड़े हैं। अशोक नमस्कार, पूछिए। हाँ जी नमस्कार जी, पूछिए सवाल पूछिए, कहाँ पर निवेश है आपका? टीटागर वेगन। ओके, टीटागर वेगन में आपने किस लेवल पर लिए हैं, कितने शेयर्स लिए और कितना समय दे सकते हैं आप, ये भी बता दीजिए क्विकली। 100 शेयर लिए हैं 17 सर, और 6 मंथ टू 1 ईयर दे सकते हैं जी। ओके, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष क्या सजेस्ट करेंगे टीटागर वेगन में? इन्होंने 117 के लेवल्स पर लिए हैं, काफी अच्छा मुनाफा इनको यहाँ पर हो रहा है, लेकिन आज हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है इस शेयर में, लेकिन इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे? प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे यहाँ पर या बने रहने की राय देंगे? टीटागर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो फिलहाल आज थोड़े दबाव में है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो करीबन जनवरी 2017 से एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो था उसने तो 2-3 दिन पहले ही तोड़ा है, और अगला जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 149-150 के लेवल का, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह होगी। और स्टॉप लॉस के तौर पर मैं इनको रेकमेंड करूंगा 138 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और 150 के टारगेट के लिए होल्ड करें। चलिए ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, राकेश ने हमें कॉल किया है। राकेश नमस्कार, पूछिए। मैडम जी, मेरे पास 1800 शेयर है अनंत राज के एट द रेट ऑफ 63.30। चलिए, आपने ये ट्रेडिंग के लिए लिया है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं, आई एम होल्डिंग दिस फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स। 2-3 मंथ से आप होल्ड कर रहे हैं, चलिए राय जान लेते हैं आशीष क्या कहेंगे। अनंत राज इंडस्ट्री 63.30 पर खरीदा हुआ है। अनंत राज का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसने सितंबर महीने में एक डाउन स्लाइड हमने इस स्टॉक में देखा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 10 या 8 ट्रेडिंग सेशन में इसने एक अच्छा खासा उछाल आया है, और अभी हम देखते हैं तो करीबन 62.30 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि इसका पहला जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 65 का, अगर 65 को क्रॉस करता है तो वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा और उस केस में इसका लक्ष्य होगा करीबन 71 का, तो होल्ड करने की सलाह है और स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपए 25 पैसे। चलिए इस वक्त टीवीएस के भी नतीजे आ चुके हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, और नतीजों के आने के बाद हल्के लाल निशान में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नतीजों की बात करें तो मुनाफे में करीब 27% की ग्रोथ देखने को मिली, 220 करोड़ का हमारा अनुमान था, अनुमान से थोड़ा कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, मुनाफे का नंबर 213 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है, और अगर रेवेन्यू की बात करें तो करीब 18% की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है, पिछले पार के 37 करोड़ के सामने इस बार का जो रेवेन्यू के फिगर्स आए हैं वो 4,000 करोड़ के आसपास के आए हैं, 4,052 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किया है, और ये भी हमारे उम्मीद से जो हमारा अनुमान था उससे कम देखने को मिल रहा है, तो ऑन द फेस ऑफ इट अगर बात करें तो थोड़े कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और भी नंबर्स यहाँ पर अवेटेड हैं, लेकिन फिलहाल जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं अनुमान से कमजोर देखने को मिल रहे हैं, और शेयर में एक बार नजर डालिए 0.5% की कमजोरी के साथ ये शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आशीष, इस लेवल पर टीवीएस मोटर्स नतीजा आने के बाद कमजोरी देखने को मिली है, आप क्या सजेस्ट करेंगे, खरीदने की राय देंगे टीवीएस मोटर्स में? अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर हम देखते हैं तो बेहतरीन है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर मैं देखता हूं तो इसका जो लक्ष्य है वो है करीबन 780 रुपए का है, तो अभी फिलहाल थोड़ा करेक्शन मोड में आया तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और बाय करने के लिए, हो सकता है कि ये स्टॉक करीबन 690 तक भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, एक्युमुलेट करना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 780। तो ये रहा है टीवीएस मोटर्स पे, नंबर्स धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और अभी एकाएक देखिए हरे निशान में आ चुका है ये स्टॉक,
टीवीएस मोटर्स अभी थोड़ी देर पहले आधा परसेंट की कमजोरी थी, लेकिन इस वक्त फिलहाल हरे निशान में कारोबार कर रहा है। वॉलिटिलिटी उतार चढ़ाव इस शेयर में देखने को मिल रहा है। ये थे नतीजे टीवीएस मोटर्स के, लेकिन अब वक्त है कुछ और भी दर्शकों को शामिल करने का। महाराष्ट्र से हमारे साथ रमेश जी जुड़े हैं। रमेश नमस्कार। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, पूछिए कहाँ पर निवेश है आपका? हाँ जी मैम, मैंने वेदांता के शेयर्स लिए थे मैम 2015 में 82 रुपए से 2000 लिए थे। ओके, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, काफी अच्छा मुनाफा, और जो लंबे समय आपने दिया है स्टॉक को, क्लियरली आपको गेन हो रहा है, तो अभी क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो मैम, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, इसमें निकलना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल आशीष, वेदांता इन्होंने 2015 से होल्ड किया हुआ है, अच्छा समय दिया और है। और जी पूछना चाहता हूँ कि अभी मुझे कोई एक स्टॉक सजेस्ट कीजिए जिसमें मैं दूसरा मेरा इन्वेस्टमेंट कर सकूं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष क्या सजेस्ट करेंगे? वेदांता में शानदार मुनाफा हो रहा है और आज भी स्टॉक में 2.5% की मजबूती हम देखें तो काफी अच्छी तेजी, काफी अच्छी एक ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिला है। वेदांता में आप क्या सजेस्ट करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे? उसके अलावा कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा है, जो वहां पर आप निवेश करने की राय देंगे लंबे समय के लिए? डेफिनेटली, अगर मैं पहले भी वेदांता की बात करता हूँ, वेदांता अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा पोटेंशियल इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाकी है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इसका जो लक्ष्य है, अभी करीबन ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 340 के लेवल पे, अगर और 6-8 महीना रुक सकते हैं तो यहाँ पे हम 370-375 के भी टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इनको प्रॉफिट बुक करने की नहीं तो होल्ड करने की सलाह दूंगा। और अगर लंबे अवधि के लिए कोई दूसरा स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो हैवेल्स एक बेहतरीन इनके लिए स्टॉक रहेगा। ऑलराइट, चलिए होल्ड करने की राय वेदांता ने फिलहाल आपको दी जा रही है, अच्छा मुनाफा आपको रखा है, उसे भी बचा कर रखिए और आगे मुनाफा आपको यहां पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त राजस्थान से, सुनील ने हमें कॉल किया है। सुनील जी नमस्कार। मैडम मेरे पास 200 शेयर हैं केसोराम इंडस्ट्री 130 के भाव पे। क्या नजरिया आपने रखा है सुनील अपने लिए? मैडम मेरा तो लॉन्ग टर्म का ही है। लॉन्ग टर्म का ही नजरिया? मेरे को कोई बढ़िया साथ में कोई ऐसा शेयर बताएं जो लाइफ टाइम ऑल राइट, लाइफ टाइम के लिए पोर्टफोलियो के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक भी रिकमेंडेशन चाहिए आपको, दिलवाएंगे दोनों पर ही राय। आशीष है हमारे साथ। आशीष पहले तो केसोराम इंडस्ट्रीज पर देखिए, 130 पढ़ लिया, 138 चल रहा है, मुनाफा इनको हो रहा है, और अगर हम मंथली चार्ट भी देखें या फिर वीकली चार्ट भी, तो थोड़ा ऊपर तो जा ही रहा है ये। क्या यही ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा, इनको और मुनाफा यहाँ पर हो सकता है या नहीं? और साथ ही मल्टी बैगर स्टॉक की रिकमेंडेशन आपकी तरफ से इनके लिए कौन सी होगी जो ये लाइफ टाइम के लिए 20-30 सालों के लिए रख लें? ओके, सबसे पहले केसोराम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। केसोराम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग, अगर अभी जो रिसेंट टॉप बने हैं वहां पे ज्वाइन करके मैं ट्रेंड लाइन निकालता हूँ तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस 145 के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ कि 145 तक यहाँ पे ये अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ से 145 को अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक 152 को भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो डेफिनेटली मैं फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। और अगर इनको लाइफ टाइम के लिए कोई एक स्टॉक चाहिए तो इतना बड़ा नजरिया लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छे खासे स्टॉक बहुत है मार्केट में, लेकिन वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर उनका मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था, हैवेल्स या फिर सेंचुरी टेक्सटाइल, ये दोनों स्टॉक्स है कि जो मेरे रडार पर लॉन्ग टर्म के लिए है। तो हैवेल्स और सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये दोनों पिक आशीष की तरफ से। अगले सवाल पुणे से ले लेते हैं, नितिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन नमस्कार, पूछिए। नमस्कार मैम, एक्चुअली मेरे पास ग्राफाइट इंडिया है, 150 क्वांटिटीज, 264 पे मैंने लिया था। तो अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या? चलिए, आपको भी काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए, और आप भी बने रहना चाह रहे हैं इस स्टॉक में? अभी भी मैं 2-3 ईयर्स तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके साक्षी, आज कॉलर्स जो आ रहे हैं काफी अच्छा अच्छा मुनाफा हो रहा है, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, और क्लियरली जो ये होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, काफी अच्छा फायदा भी इनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली पूजा, देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई पर जो बाजार है, इसी तरीके की पेशेंस दिखानी पड़ती है तभी आपको इस तरीके का रिटर्न मिलता है, और मार्केट लगातार रिवॉर्ड भी करती जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि लगातार फिर कुछ स्पेकुलेशन आता है कि 10,500 आ पाएगा या नहीं, आज देखिए 10,450 हो गया और हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमने बात करी दिवाली पर, अगली दिवाली तक के लिए भी 11,600 के टारगेट्स, तो फंडामेंटल्स मजबूत हैं, बस आपको अच्छे स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स को पहचानना है। आशीष बताइए इनके लिए क्या राय होगी?
ग्राफाइट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बेहतरीन है। दो दिन पहले इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है और ये जो पैटर्न होता है बुलिश इंप्लीकेशन वाला होता है। इसका जो पहला लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 568 का, अभी चल रहा है करीबन 522 पे। लेकिन इनका जो नजरिया है वो थोड़ा मध्यम अवधि का है, तो मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। हो सकता है ये स्टॉक करीबन 600-650 के लेवल को भी छू सकता है, लेकिन इसको मॉनिटर करना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पर। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन मैं रिकमेंड करूंगा और वो जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीबन 485 का। चलिए 485 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं, काफी ऊपरी के लेवल हैं। चंद्रशेखर, नमस्कार चंद्रशेखर, पूछिए। नमस्कार, मेरे पास राजश्री शुगर के 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 69। ओके, हाल ही में लिया है आपने? हाँ, लास्ट वीक में लिया है मैम। और मेरा होराइजन इतना ज्यादा नहीं, मतलब 15 डेज के हिसाब से मैंने लिया था। अच्छा अच्छा। और अभी शुगर के हिसाब से वो 31st, मतलब उसका जो लिमिट बढ़ाया है 31st दिसंबर तक का, जी जी। और इथेनॉल का प्राइसेस के बारे में वो कंसिडर करके मैंने लिया था। तो क्या टारगेट हो सकता है, 15 दिन में कुछ मुनाफा मिल सकता है? बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं। आशीष शुगर, राजश्री शुगर पे इनकी खरीदारी थी, एक हफ्ते पहले इन्होंने लिया था और जो ये जिस उम्मीद के साथ इन्होंने लिया था वो दिख भी रहा है। राजश्री शुगर में आज देखिए करीब 5% की मजबूती देखने को मिल रही है। अगले लेवल्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म व्यू ही है इनका? अगर चार्ट रेफर करते हैं तो मैं मानता हूँ कि करीबन 70 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक को दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक 70 को क्रॉस करके थोड़ा भी समय इसके ऊपर टिका रहता है तो इसका अगला लक्ष्य जो दिखाई दे रहा है वो है करीबन 73-74 का। तो फिलहाल मैं इनको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। स्टॉप लॉस के तौर पर अगर ये मॉनिटर करना है तो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए करीबन 65.3 का। चलिए ठीक है, 65.3 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करने की राय आपको मिली है। वेस्ट बंगाल से सरबजीत जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सरबजीत जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी, जी मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा 50 है, 185 पे लिया था मैंने। ठीक है, 185 पे आपने लिया, लॉन्ग टर्म व्यू है? जी जी जी। ऑल राइट, आशीष बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या यहाँ पर आपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है? 185 पर इनकी खरीदारी है, फिलहाल नीचे चल रहा है। अगर इसका चार्ट देखते हैं तो सब लोगों को पता है कि एक बहुत बड़े उछाल हमने सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक सेक्टर में देखा है। ऐसे बड़े उछाल के बाद बट नेचुरली वहां पे करेक्शन मोड आता ही आता है और अभी अगर हम फिलहाल देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी दूसरे स्टॉक में भी हम उसी तरह का एक करेक्शन मोड देख रहे हैं। हालांकि आज ये स्टॉक करीबन 2% ऊपर है, 173 ऑड लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। होल्ड करने की सलाह होगी क्योंकि कंसोलिडेशन होने की संभावना है, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। 169.5 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा और टारगेट के तौर की टारगेट की अगर बात करते हैं तो पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 181 का। ओके, तो ये रहा है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगले दर्शक का भी सवाल ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से आशीष। आशीष नमस्कार। हेलो मैम। हेलो, पूछिए कहाँ पर निवेश है आपका? हाँ मैम, मेरा अभी मैंने भारतीय एयरटेल के शेयर्स लिए हैं आज। भारतीय एयरटेल के शेयर्स लिए आपने? हाँ, 540.06 पे। 540 के लेवल्स पर आपने लिए हैं? ओके, हाँ 540 पे मैंने लिए हैं और 570 शेयर है मेरे पास। ओके, और जेट एयरवेज पर भी आपका सवाल है क्या? जी नहीं मैम, वो सेम कर दें। ठीक है, बिल्कुल, आपको भारतीय एयरटेल पे राय दिलवा देते हैं। आशीष क्या सजेस्ट करेंगे, भारतीय एयरटेल आज शानदार तेजी है, निफ्टी बड़ा निफ्टी गेनर है, 9% की मजबूती देखने को मिल रही है और इसी रैली में इन्होंने ये शेयर ले लिया है, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं आगे के लिए चार्ट्स? काफी हाई लेवल पर ले लिया है इन्होंने, लेकिन आगे के लिए कैसी ट्रैजेक्टरी दिखाई दे रही है आपको भारतीय एयरटेल की? भारतीय एयरटेल का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि 520 रुपए एक बहुत ही स्ट्रांग इसके वो रेजिस्टेंस था जो आज हमने इसको तोड़ते हुए देखा है। अभी हम करीबन 540-542 के लेवल पे इसको देख रहे हैं। मैं मानता हूं होल्ड करके रखना चाहिए, 520 का स्टॉप लॉस मैं इनको रेकमेंड करूंगा। अगर ये स्टॉक 520 के ऊपर टिका रहता है अगले 2 या 3 दिन तक तो अगला जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 585 का। होल्ड करना चाहिए 520। ठीक है, होल्ड करने